और इसलिए मैं कहता था मित्रों, इस देश में एक विदेशों के पैसों से पला हुआ एक फाइव स्टार एक्टिविस्टों का वर्ग है, जिसको जिसके हर गतिविधि को चौंक करके देख लीजिए। उनका काम यही होता है, कोई भी घटना घटे तो आतंकवादियों को बौद्धिक प्रोटेक्शन के दिए वो मैदान में उतर आते हैं, नई नई मनगढ़ंत स्टोरियां घड़ाते हैं, नए नए तर्क देते हैं, और आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई वो जैसे देश का दुश्मन है, कॉम्बिनर है, हिटलर है, न जाने कौन कौन से डिक्शनरी के शब्द है उसको निकाल के आते हैं। मित्रों, वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूं जो इंसान हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। क्या करना है इमेज को दोस्तों, किसके लिए इमेज? फुलमालाएं पहनने के लिए? मैं पत्थर खाने के लिए तैयार हूं अगर मैं मेरे देश के किसी नागरिक की रक्षा कर सकता हूं। और मित्र, कैसी हरकतें हो रही है? आतंकवाद ऐसे नहीं बढ़ रहा है, आतंकवादियों के हौसले उतने बुलंद नहीं है जितने कि हम जितने रास्ते तैयार कर देते हैं जो आतंकवादियों को चलने काम आ रहे हैं। मुझे बताइए, गुजरात के अंदर एक इशरत जहान नाम की लड़की को, आतंकवादी लड़की को हमारी पुलिस के साथ एनकाउंटर हो गया, अब उसको मार गिराया। आपको मालूम होगा, दिन याद कीजिए, सारे दुनिया के फाइव स्टार एक्टिविस्ट मोदी पर टूट पड़े थे साहब, कि एक नौजवान लड़की को मार दिया, निर्दोष लड़की को मार दिया, गोली से भून दिया। ये खुद आतंकवादी है, यहाँ तक चले गए। इतना ही नहीं मित्रों, इस प्रदेश के अंदर फाइव स्टार एक्टिविस्ट कुछ मीडिया के मित्रों ने उसे एक बहुत बड़ी शहीद के रूप में उसकी जनाजा निकाला था। चद्दर चढ़ाने चले गए थे, चद्दर चढ़ाने चले गए थे, और एक पार्टी के नेता 1,00,000 रुपया देकर के आते हैं। कुछ किया था, मैं चुप था, वैसे भी मैं ज्यादा बोलता नहीं था। मैं सही जगह पर सही भाषा में सही समय पर बात करने का आदमी, सुबह शाम चीख कर रहे अखबार की जगह खराब करने की मुझे आदत है। दो प्रकार के नेता होते हैं दोस्तों, कुछ नेता हैं जिनको सिद्धि में विश्वास है, कुछ नेता हैं जिनको प्रसिद्धि में विश्वास है। और जब 3 दिन के बाद ग्वाजा टाइम्स जो लश्कर ए तैयबा का एक मुखपत्र है, उसने एक आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान में आर्टिकल छपा कि हमें शान से गौरव हो रहा है कि इशरत जहान जैसी एक लड़की ने हमारे मकसद को पूरा करने के लिए अपने आप बलि चढ़ा दिया। जब पाकिस्तान में, तब जाकर के चुप हो गए, फिर पता नहीं उनकी वो रिकॉर्ड की वो कैमरा वाली चीजें कहाँ चली गई, वो चद्दर चढ़ाने वाले कहाँ चले गए, सारा खो गए, चुप है। 2 साल इतने साल हो गए, चुप है, उसको पूछने वाला नहीं उनको। अगर मैंने ऐसी गलती की होती तो साहब मेरे बाल नोच लेते। मित्रों, अभी एक टीवी वाला बता रहा था कि किसी ने किसी लड़की को बम रखते देखा, मैं नहीं जानता उस सत्य क्या है, लड़कियों का उपयोग हुआ था। जिस दिन गुजरात ने इशरत जहान के एनकाउंटर में हत्या की, अगर महाराष्ट्र की पुलिस जाग जाती तो शायद ये लड़कियां बम रखने के मैदान नहीं होती। लेकिन आपको परेशानी है, आपको निर्णय करने नहीं है, आप डरते हो। मित्र, ये घटनाएं होती है जब ऐसी बयानबाजी होती है, इस प्रकार के जनाजे निकाले जाते हैं, चद्दरें ओढ़ाई जाती हैं, 1,00,000 रुपया चढ़ाए जाते हैं, तब जाकर के आतंकवादियों का हौसला बुलंद हो जाता है कि यार कुछ तो अपने रिश्तेदार यहाँ है, अपना काम चल जाए। मित्र, मैं हैरान हूं कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। कोयम्बतूर के अंदर 98 में एक बम धमाका हुआ,
चुनाव सभा में बम धमाका हुआ। अडवाणी जी उस सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले थे, 58 लोग मारे गए, 58 लोग मौत के घाट उतार दिए गए, निर्दोष लोग मार दिए गए, वो सारे लोग जेल में हैं। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी मित्रों, केरल विधानसभा में वहां की सभी पार्टियों ने मिलकर के, वहां दो पार्टियां प्रमुख हैं, कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट, और बाकी उनके गठबंधन के साथी हैं, सबने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया कि 98 के केस में जो मुख्य गुनहगार मदनी करके जो जेल में है उसे जेल में से रिहा कर दिया जाए। क्या क्या सब समाचार देश को क्या संदेश देना चाहते आतंकवादियों को? केरल असेंबली ने और होली के दिन स्पेशल सत्र बुलाया था मित्रों, स्पेशल सत्र बुलाया था और उस सत्र के अंदर प्रस्ताव पारित किया है कि कोई इंदौर का जो मुख्य गुनहगार है उस गुनहगार को जेल से बरी कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो चुनाव में उसको कैंडिडेट बनाना चाहते थे। क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? और मैं देश के बुद्धिजीवियों को कहना चाहता हूं, क्या ये गुनाह नहीं है देश के साथ? क्यों उनका हिसाब नहीं मांगा जाता है? अगर मोदी गुनाह करता है तो आपको अधिकार है, मैं सामने से कहता हूं अधिकार है, आप मेरे खाल उखाड़ लीजिए, लेकिन देश के हित में और लोग जो पाप कर रहे हैं उनसे भी तो देश को प्रशिक्षित कीजिए। कहीं दायित्व नहीं है हमारा? मैं इन कलम के धनियों को कहना चाहता हूं, देश की ये मांग है मित्र। अभी आसाम के चुनाव हुए, आसाम के चुनाव के अंदर जिसने आसाम को लहूलुहान कर दिया वो उल्फा ओपनली कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने के लिए समर्थन में मैदान में था। उल्फा जो आतंकवादी एक्टिविटी करता है, जो निर्दोषों को मारता है, किडनैप करता है, आप उसको चुनाव के अंदर आपका राजनीतिक फायदा हो रहा है, इससे उसका आप किस मुंह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ोगे? मित्रों, बिहार में चुनाव हुआ, यूपीए का एक घटक दल उस चुनाव के अंदर एक मेहरबान को लेकर के चुनाव सभाओं में घूमते थे। क्यों घूमते थे? क्योंकि उसका दिखावा बिन लादेन जैसा था। बिन लादेन जैसा दिखता है, ये बिहार में लोगों को दिखा करके वोट मांगे जाते थे। मुझे कल्पना कर सकते हो मित्र? आज भी हिंदुस्तान में कोई रावण कितना ही शक्तिशाली क्यों न था, लेकिन कोई निकलता है रावण के नाम पर कुछ लेने के लिए? ये बिन लादेन को लेकर के निकलते हैं साहब। और बड़े गौरव से और टीवी के मित्र भी बड़े शान से बताते थे कि ये देखिए बिल्कुल बिन लादेन जैसे दिखते हैं। पता नहीं उनका किस जन्म का रिश्ता है, मैं नहीं जानता। क्या ये देश की सेवा हो रही है? मित्र, मेरे भीतर एक आग है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं 200 लोगों की मौत देख नहीं सकता दोस्तों। ये मेरा राजनीति नहीं है, ये मेरी राष्ट्रनीति का हिस्सा है। और मित्रों, मैं राजनीति के साथ आने वाला हूं।